या सो अब तक हमने जो सीखा था, एक से चार कदम तक का है ना, पांचवा छठा फिर हमने सीखा, लेकिन एक से चार कदम तक जो हमने सीखे है ना, उसमें हमने हमारे माइंड को चेंज किया, अपनी आउटर पर्सनैलिटी को चेंज किया और अपने आप को अंदर से तैयार किया इस फील्ड में राजा बनने के लिए, अपने नाम का इतिहास बनाने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक्शन लिए बगैर क्या कभी कोई इंसान सिर्फ मन से ही राजा बन के बैठे रहेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक हमारा नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। हमने एक एक लाइन सुनी है, नॉलेज इज पावर, है ना, स्वामी विवेकानंद ने ये लाइन कही थी, नॉलेज इज पावर। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, लेकिन उनकी किताब को पढ़िए, उन्होंने स्पेशली आगे लिखा हुआ है, नॉलेज इज पावर डेफिनेटली, बट अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो नॉलेज अप्लाई ही नहीं किया गया, जो एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं किया गया, वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। और इसीलिए हमने आपको कहा था कि आपको सेल्फ इनिशिएटिव लेकर अपने अपलाइन के साथ बैठकर कॉल करना पड़ेगा अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में। और इसलिए हमने चौथा कदम, तीसरा कदम सेल्फ एस्टेब्लिश करने के बाद चौथा कदम आने में हमने इनविटेशन के बारे में जाना कि हाउ टू इनवाइट द पीपल, कैसे लोगों से बात करें, नौकरी वाले से कैसे बात करें, जॉब वाले से बिजनेस वाले से कैसे बात करें, बड़े लोगों से कैसे बात करें, स्टूडेंट से कैसे बात करें, हाउसवाइफ से कैसे बात करें, वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीजें इस किताब में डाली गई है और आपके साथ शेयर किया मैंने। एंड फाइनली अब मैच्योरिटी का वो लेवल हमारा आया इनविटेशन करने के बाद कि अब हमें आज नहीं तो कल कभी भी पेन हाथ में पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा था आपको स्टेज वन होता है हम डिपेंडेड होते हैं किसी के ऊपर, वी आर डिपेंडेड, लेकिन कब तक डिपेंडेड रहेंगे? एक प्लान, दो प्लान, चार प्लान, पांच प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान, चलो 50 प्लान, कभी ना कभी तो हमें इंडिपेंडेंट लीडर बनने के लिए कलम हाथ में उठानी पड़ेगी। तो कलम हाथ में जो उठाता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। और ऐसे करते हमने प्रेजेंटर बनने के लिए, हमें प्रेजेंटेशन खुद स्टार्ट करने हैं उसके तैयारी के लिए हमने तैयारियां सेशन लिया था। और मैंने आपको बताया था कि आपको टॉनी रॉबिन की तरह रोज सुबह 9 बजे या कोई भी अपना एक टाइम सेट करके एवरी डे प्रैक्टिस करना है, चाहे सामने कोई हो या ना हो, चाहे सामने कोई हो या ना हो, चाहे सामने कोई हो या ना हो। कितने लोगों ने ये किया है कल के दिन में? मैंने परसों भी ये बोला था लाइन, कल भी ये लाइन बोली थी। कितने लोगों ने प्लान प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस घर पे किया और ऐसा डेमो किया जो मैंने बोला वो वाला, सामने कोई हो या ना हो लेकिन हमें प्लान करना है, बस रोजाना 1 से 2 प्लान होने चाहिए चाहे सामने कोई हो या ना। कितने लोगों ने ट्राई किया? कई बार ऐसा होगा कि जिसको हम लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं ना, उसको बार बार समझाओ, टेंशन मत लो। फिर पूछे बोले मैं मेरे को, अरे मेरे को मालूम है तेरे को नहीं जुड़ना यार, बस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी प्लान की, तेरे को सक्सेस नहीं होना, मेरे को तो होना है कि नहीं हो, चल अपना दोस्त है ना, बार बार समझाओ, अपना प्रैक्टिस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये चीज है, प्रैक्टिस होना चाहिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, काफी सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया है। चलिए, अभी हमारे मेंबर्स भी आ चुके हैं। तो आगे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 में जाना था। चैप्टर नंबर 6 काफी बड़ा है। चैप्टर नंबर 6 हमने कुछ हद तक कंप्लीट किया था। फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब क्या होता है? जिस दिन हम लोगों ने प्लान प्रेजेंटेशन किया, उस दिन अगर हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन का क्लोजिंग नहीं कर पाए तो उससे 24 से 48 घंटों में होने वाली दूसरी मुलाकात, उसे कहते हैं फॉलोअप। और एक बात उसमें ध्यान रखने वाली थी जो हमने कल बताया था कि आप जब भी किसी का क्लोजिंग करने के लिए, इवन प्लान देखाने के लिए जाए, तो पहले बार में ही क्लोजिंग ही होना है अल्टीमेटली। तो देखा जाए तो प्लान दिखा रहे तो क्लोजिंग तक तो जाना ही है हमें। अगर गलती से उस दिन क्लोजिंग नहीं हो पाया, वो माइंडसेट नहीं बना पाए हम लोग सामने वाले का, तो वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट ऑन द स्पॉट कि हम लोग कल या परसों इतने बजे हमारे घर पे या यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, ऐसा उनका माइंडसेट करके फाइनली खड़ा होना है और 24 से 48 घंटे में फॉलोअप लेना है, राइट है? और फॉलोअप के टाइम पे कुछ सवाल पूछने थे उनको, जब फॉलोअप के टाइम पे जब मिलने के लिए जाओ तब वो सवाल उनको बताना है। और फिर मैंने एक फिक्स डायलॉग बताया था कि हमने जाना, समझा,
गवर्नमेंट लीगल सिस्टम है, टीमेक्स के अंदर इतनी प्रोडक्ट्स है, इतने सारे लोग अचीवमेंट ले चुके हैं, ये सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ मन में है तो बताइए, वरना चलो बताइए किसके नाम से शुरू करते हैं, आपके या भाभी के। क्लोजिंग तो डायलॉग वहां पे आएगा, अब वो अपना ऑब्जेक्शन बताएगा। तो अभी हमारा जो टाइप जो सेशन है आज का, दैट इज डीसीएस, डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन। अब देखिए, अगर किसी ने आपको सवाल पूछा और आपने उसको क्लोज करने का काम किया और उसने आपको ऑब्जेक्शन दिया कि मेरे पास समय नहीं है, ये अगर उसने दिया, तो आपको उसको क्या जवाब देना है? किताब में पढ़िएगा पेज नंबर 27, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जवाब। मेरे पास समय नहीं है सवाल है, जवाब है, हमें असल में समय ही कमाना होता है, और इस व्यवसाय में एक दिन पैसे के साथ साथ समय ही समय होगा। देखिए, हमें यहाँ पे उनको एक छोटा सा अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी दिखाना चाहते हो तो हम दिखा सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं, देखिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन असल में हमें पैसा नहीं कमाना होता है सर, हमें समय कमाना होता है। सबके पास समय की ही दिक्कत होती है, हम मेहनत करके पैसा तो कमाते हैं लेकिन हम समय कमाने के लिए अलग से वो स्पेसिफिक अपना विचार नहीं रखते, और इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। आपको बताऊं सर, एक इंसान को 8 घंटे रोजाना काम करता है, 40 साल तक काम करता है, 300 दिन साल का काम करेगा तो 96,000 आवर्स उसको मिलते हैं 40 साल में। हम लोग विजन मीटिंग में शेयर करते हैं ना वो वाला गणित, तो हम ये 96,000 आवर्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे लाइफ में इतने ही रहेंगे देखा जाए तो। लेकिन अगर अगर हम इस 96,000 आवर्स को इन्वेस्ट करें नॉर्मली, अगर ट्रेड करते जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे, तो 1 घंटे के हिसाब से हमको जो इनकम होगा उसके हिसाब से इनकम होगा। मनी का इक्वेशन है ना, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी। ये उनसे बात करनी जो विजन मीटिंग में था, और उनका माइंड सेट करना है कि हमें समय कमाना है। वॉट वी वॉन्ट टू अर्न, वी वॉन्ट टू अर्न टाइम, और जिसने टाइम कमा लिया वही धनवान बनता है। फिर एग्जाम्पल दिया हमने मुकेश अंबानी सर का और मयूर गोंडला सर का, या फिर हमारी जो भी अपलाइन है उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आज हमारे अपलाइन के पास में 1,000 लोग है, 1,000 लोग 2-2 घंटे काम करते, 1-1 घंटे काम करते, 1,000 आवर्स का काम होता है सर, एंड दैट्स व्हाई वी आर अर्निंग मनी, राइट। अगला जो सवाल था, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कितने लोगों को जवाब मिला है पैसे नहीं है? जरा टाइप करो मी, पुराने अगर कुछ लोग है जिन्होंने अनुभव लिया है, ऐसा कितने लोगों को मतलब रिप्लाई मिला है कि सर पैसे नहीं है, ऐसा बोलता है सामने पैसे नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि ये लोग गुजराती में कहें हड़ाहड़ झूठू बोली रहे हो छे, ये मतलब कि ये 100% गारंटेड वो झूठी बोल रहा है, क्योंकि जिसके घर पे आप गए हैं आपको पता ही है कि उसका घर एक ठीक ठाक लेवल का घर है, एक अच्छा लेवल का घर है, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास से भी गरीब कैटेगरी के घर में तो जनरली आप गए नहीं, और वहां पर भी गए, मैंने तो ये देखा है कि छपरे वाला सर घर होता है, बाहर 2-4 भैंस होती है, उसके घर में से भी 1,00,000 रुपए निकलते हैं कई बार कैश। हाँ, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, ये हमारा वहम है कि लोग दिखते हैं गरीब जैसे लेकिन असल में पैसा नहीं होता। अरे किसके पास 2-3 हज़ार रुपया नहीं होता यार आज के टाइम पे। तो मैंने एक तरीका खोज निकाला था, जब मैं ट्रेनिंग भी करता था और जब मैं 2004-5-6-7 में नेटवर्क मार्केटिंग नया नया सीखा था, तो मेरे अपलाइन ने मुझे बहुत गजब का तरीका सिखाया था। जानना चाहते हो वो तरीका? जब कोई ऐसा बोले कि पैसे नहीं है तो जानना चाहते हो तरीका क्या है? जानना चाहते हो? इसमें लिखा है वो तो आपको बताएंगे बताएंगे, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पर जो मेरा तजुर्बा है, जब भी आपको ऐसा ना मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट करनी है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, बोलना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं, शुरुआत एक एक पॉज लेना है, बड़ी प्यारी वो कहते हैं शरारत वाली मुस्कुराहट है ना, उसके सामने देख रहे आंखों में आंखें मिला के देख, मान लो रमेश करके मान लो सामने, या महेश करके मान लो सामने है, महेश भाई ने बोला पैसे नहीं है, आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराहट के साथ, क्या बात करते हो, सच में पैसे नहीं है, सच में नहीं है पैसे, मतलब मुस्कुराहट के साथ और एक 2-3 मतलब 5-10 सेकंड का पॉज लीजिए एंड फिर सच में पैसे नहीं, सच में मतलब उसको लगना चाहिए कि इसको मालूम है कि पैसे है फिर भी सवाल पूछ रहे हैं। अरे विच मी, इतना गजब का तरीका है कि सामने वाला 1 मिनट के तो हल्का फुल्का हो ही जाएगा, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और फिर वो ये भी समझ जाएगा 50% लेवल पे तो
कि मैंने इसको गोली दी और ये भाई साहब गोली नहीं ले रहे, आर विथ मी? क्योंकि 2-3 हजार किसके पास में ना हो ऐसा संभव नहीं। और फिर भी मान लो, अगर फिर भी वो ये बोलता है कि यार सच में पैसे नहीं है, तो फिर अपने पास ये जवाब भी है। आ गए तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पैसे नहीं है, तो उनको बोल सकते हैं कि सर यही तो कारण है पिछले 5 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, पिछले 5 या 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और ये सब कुछ करते हुए भी आज जब 2-3 हजार रुपए की बात आती है, मैं यहाँ पे कोई लाखों की तो बात नहीं कर रहा, 2-3 हजार की बात आती है और हमारे मुंह से निकलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सर यही तो बात है कि ये बिजनेस करने की जरूरत है, हमें इतने साल नौकरी में दिए, आज हमारे पास 2-3 हजार रुपए का कैश नहीं, इतने साल नौकरी में दिए, बिजनेस में दिए, हमारे पास 2-3 हजार रुपए कैश नहीं। सर इट इज ओनली बिकॉज, क्योंकि हम टाइम के साथ में मनी को सिर्फ ट्रेड करते हैं, हम टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको कहा, आगे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, मनी ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगा। और ये धंधा सिर्फ पैसे कमाने का धंधा नहीं है, ये अपने टाइम फ्रीडम को कमाने का बिजनेस है, इसलिए हम यहां से मनी का अनलिमिटेड लेवल का फ्रीडम कमा सकते हैं, और इसलिए आज इनिशिएटिव लेना राइट है। तो उनको इस बात पे इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, नौकरी या व्यवसाय करने के बाद भी ये कहना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलना नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं, सर मेरे को ऐसा समझाना है, बोलना बोलना नहीं आता है। यहाँ पे कह सकते हैं, अगर बोलना आ गया तो, अगर बोलना आ गया तो फील फेल फाउट वाला अपना मॉडल, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, फिर मैंने एजुकेशन सिस्टम का अपने आपको हिस्सा बनाया, मैं अलग अलग ट्रेनिंग लेते रहा, धीरे धीरे करते करते मुझे बोलना, अगर आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ राइट है, तो फील फेल फाउंड वाला मॉडल यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में देना है। बोलना नहीं आता मतलब आपको अपनी कहानी कहनी कि मुझे भी बोलना नहीं आता था, देन है ना, जैसे कि बिल्कुल सही बात है सर मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं टीमेज एजुकेशन सिस्टम को अपनाने लगा, मेरा विश्वास बढ़ता गया, और अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं पूरे आत्मविश्वास विश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये एक-एक उनके मन के डर है या उनके मन के ऑब्जेक्शन है, फाइनल ऑब्जेक्शन के ऊपर तो हम लोग आएंगे आएंगे एंड में आते आते क्लोजिंग के टाइम पे। आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 6 फॉलो अप और चैप्टर नंबर 7 क्लोजिंग, असल में दोनों कंबाइंड है। चैप्टर नंबर 7 जब हमारा आएगा तब उससे पहले तो क्लोजिंग हो चुका होगा ऑलरेडी, बस हमें सिर्फ फॉर्म भरना है, बाकी डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, काम खत्म। तो एक एक चैप्टर, ये एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ना भी है, सिर्फ मैं बता रहा हूं इतना नहीं, मैं तो सिर्फ आपको एक रिविजन करवा रहा हूं, लेकिन आपको ये रोज पढ़ना है SOS। कितने लोगों ने अभी तक SOS नहीं परचेस की है, टाइप करो मी, आज 5वां दिन है हमारा दोस्तों, टाइप करो मी, अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया SOS तो प्लीज मेक श्योर अपलाइन, प्लीज आप अपलाइन देखिए कि आपके डाउनलाइन कौन है जिनके पास में SOS नहीं है, यार जल्द से जल्द नजदीकी स्टोर का कांटेक्ट करें, वहां से SOS कलेक्ट करें अपनी, 5वां दिन आज चल रहा है और अभी भी SOS हाथ में नहीं है। अरे विच मी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर यह सब नहीं चलेगा, किसी ने ऑब्जेक्शन दिया, यह सब नहीं चलेगा, जवाब सर क्या नहीं चलेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। बोले ये मेंबर बनाने वाला बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, ये नहीं चलेगा। सर मुझे भी यही लगता था, लेकिन लोगों की बातों में न आकर मैंने सच्चाई को जाना, वजन डाल के मैंने सच्चाई को जाना, इस व्यवसाय के आंकड़ों पर मैंने जोर डाला, मैंने देखा कि ये बिजनेस लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना टाइम पे, जब लोगों की नौकरी धंधा बंद था, तब भी ये बिजनेस ने 15 हजार करोड़ का बिजनेस किया, 21 में 18 हजार करोड़ का बिजनेस किया, आज 22-23 चल रहा है, 22-23 के अंदर इसने 21 हजार करोड़ का बिजनेस किया है, और 2010 से अगर हम लोग देखते आ रहे हैं ना, हर साल इसका टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है। सर क्या नहीं चल रहा मार्केट में, ये चल ही रहा है ऑलरेडी, और मजे की बात यह है कि ये इतने मजे से चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। मानता हूं कि चंद गलत लोग इसमें होते हैं, गलत कंपनियां होती है, गलत प्रकार के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए और सही कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को इस व्यवसाय को लीगल घोषित कर दिया।
ये ऑलरेडी चल रहा है, बस हमें इसके बारे में सही जानकारी लेनी। किसी ने कहा प्रोडक्ट नहीं बिका तो, सवाल आया प्रोडक्ट नहीं बिका तो, हम उसको सामने ऐसे नॉर्मल सवाल कर सकते हैं, सवाल के सामने सवाल थोड़ा इफेक्टिव रहता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बिक गया तो सर, बिक गया तो, सच बताऊं यह प्रोडक्ट बेचने का व्यवसाय ही नहीं है पहले तो। सर ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है ही नहीं, ये तो नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और आज हजारों लोग घर बैठे महीने के 20 से 50 हजार से भी ज्यादा रुपए इस व्यवसाय से घर बैठे बैठे कमा रहे हैं, बस लोगों को इंस्टाग्राम अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके उनकी जानकारी देके लोगों को टीम बनाकर नेटवर्क बना। तो हम क्यों नहीं कर सकते, बस हमें सिस्टम को समझना है और काम पे लगना। ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा तो है ही नहीं, आर विथ मी? और बिल्कुल 100% सही है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। हम लोग यहाँ पे तेल शैम्पू साबुन बेचने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे हमारा खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए। अच्छा कोई किराने वाले दुकान को ऐसा बोलेगा ये तेल शैम्पू साबुन बेचने वाला नहीं, बिजनेस लेके बैठा है, अपना बिजनेस है उसका। तो वैसे ही सर हमारा बिजनेस है, और बिजनेस में तो कोई भी धंधे का रूल है, एंड पे तो कुछ ना कुछ तो बेचा जाता ही है, पर वो बेचने का सिस्टम होता है। वी आर इन द नेटवर्क बिजनेस, हम नेटवर्क में है। और एक बात बताऊं, अगर कोई बोलता है प्रोडक्ट नहीं बिका तो ऐसा बोलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए सर क्या हो तो प्रोडक्ट बिकेगा, ये पहले जानना समझना बड़ा जरूरी है। मुझे बताइए सर आप टूथपेस्ट साबुन शैम्पू ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ अच्छा ये सारी चीजें केमिकल वाली है, हार्मफुल केमिकल इसमें आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर मैं आपको, मैंने एक जनरल लेवल पे किसी भी समझदार इंसान के सामने एक ऐसा ऐसा विकल्प रखा जाए कि एक तरफ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स है एक तरफ नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स है, आप कौन सा पसंद करेंगे? कोई भी इंसान क्या जवाब देगा बताइए मुझे, आप ही बताइए, बताइए क्या जवाब देगा? नेचुरल हर्बल। अच्छा ये सेम चीज अगर हमने उसको बोला जिसने सवाल पूछा, वो भी क्या जवाब देगा? नेचुरल हर्बल। अच्छा दूसरा, अब उसमें दिक्कत क्या होती है, मन में डर रहता है, बोले सर ये सब महंगी मार्केट की प्रोडक्ट सस्ती होती है और ये बहुत महंगी होती है, बहुत 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 महंगी होती है भाई, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम बोलेंगे अरे मार्केट के आसपास में हो तो 2-5-10% आगे पीछे हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बिकॉज इट्स अ पैकेजिंग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ चीजें, क्वालिटी एंड पैकेजिंग दोनों के ऊपर आता है। तो 5-10 रुपए आगे पीछे हो सकता है, बट मार्केट के आसपास में हो तो अब बताइए अब कौन सा चूज करेंगे? अब तो बोलेंगे हर्बल पक्का, हर इंसान हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है, बस अलग अलग मार्केटिंग कंपनियों ने अपने गिमिक को चलाने के लिए डबल ट्रिपल भाव पे और अच्छा कमीशन देने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। हम टीमेक्स से दोस्तों, हम मार्केट की हार्ट को जानते हैं, लोगों के दिल को समझते हैं। निर्मल सर, हिरेन सर, एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के आधार पे कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कंपनी का पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। हमको तो रखा ही है ध्यान में, लेकिन ऐसा ध्यान में रखा है कस्टमरों को कि अगर वो नेटवर्क नहीं भी करेगा ना तो भी परमानेंट वो हमारा कस्टमर रहे। आर विथ मी? तो एक तो हो गया नेचुरल हर्बल, दूसरा मार्केट के भाव के आसपास में है तो, और तीसरा सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात सर, अगर आप क्योंकि 12 महीने से लगातार आप कहीं ना कहीं से तो लेते ही है, अगर आप वो सेम चीज टीमेक्स से लेते हैं तो 1-2-3 महीना कंटिन्यू आपने शॉपिंग किया तो 4थे महीने 33% का आपको एमआरपी वॉलेट फ्री मिलता है। दिस इज गेम चेंजर, जिसके कारण आपकी डीपी प्राइस में मिली हुई प्रोडक्ट जो होती है 3 महीने तक आपको मिली है वो भी आपकी एवरेज डाउन हो जाएगी, मतलब मार्केट के प्राइस के आसपास से भी ऑलरेडी 2-3-5 रुपए 10 रुपए के आसपास डाउन हो जाएगी अगर आप इसकी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे आफ्टर सीएनसी। आर विथ मी? तो प्रोडक्ट हमें बेचना ही नहीं है, बस हमें दुकान बदलनी है। आर विथ मी? और लोगों को दुकान बदलवानी है, प्रोडक्ट हमें बेचने नहीं है, बस हमें दुकान बदलनी है और लोगों को दुकान बदलवानी है। परफेक्ट आंसर है यस और नो? अगला, बिजनेस की तुलना करके दिखाइए टीमेक्स व्यवसाय के साथ। देखिए बिजनेस की कंपैरिजन करिए, मान लो कोई बिजनेस वाला है उसकी कंपैरिजन करके देखिए कि सर कोई बिजनेस वाला है बिजनेस कर रहा है तो 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है, टीमेक्स में 0 लगता है, उसको स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में रखना पड़ता है, यहाँ पे लेस और 0 स्टॉक।
मार्केट लोकल, यहाँ पे ऑल इंडिया पैन इंडिया, आप जहां पर भी चाहे पादा बैंक का सेंटर खोल सकते हैं, आप जहां पर भी चाहे लोगों को जोड़ सकते हैं। कंपनी 1000 रुपए से ऊपर का किसी का भी शॉपिंग है तो वहां तक कुरियर पहुंचाती है, इतना आपको इकोसिस्टम यहां से मिलता है। शोरूम पे है ना, उनको शोरूम खोलना पड़ता है धंधे वाले को, यहाँ पे दुकान या शोरूम ऐसा कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। सेटिस्फेक्शन 0% रहता है, यहाँ पे 100% रहता है। ओवरहेड्स 100%, ओवरहेड अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस, हेडेक से लेकर सबको टेंशन रहता है मार्केट में सब प्रकार का, 100% यहाँ पे जीरो। उसके बाद इनकम एक्टिव रहती है, वहां पे एक्टिव इनकम, दुकान पे गए गल्ला खोला, दुकान खोला तो काम चला। यहाँ पे एक टाइम पे आने के बाद पैसिव इनकम आती है। शुरुआत में रोज हमें 2 घंटे, जैसा मैंने बोला था शुरुआत में डे 1 पे, एवरीडे टू आवर्स, एक मिशन के तरह इसको ले लीजिए। अगर आपने मिशन बना दिया है अपना एवरीडे 2 आवर्स का, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, अमेजिंग रिजल्ट। क्योंकि मुझे पता है डिसिप्लिन आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, रोज 1 से 2 घंटा। रिस्क फैक्टर धंधे में बहुत हैवी होता है, यहां पे जीरो है। एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। मार्जिन वहां पे लो रहता है, यहाँ पे अप टू 50% मार्जिन मिलता है। आप देखिए शुरुआत में अपने को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाता है, सीएनसी में और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, और वो सब कुछ करने के बाद हमारा बीवी मैचिंग से जो हमारा कमीशन बेस निकलता है वो अलग। 1 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर अगर आप मैचिंग के हिसाब से ऑन एन एवरेज देखेंगे, हमारा कार फंड से लेके सब कुछ फंड अगर हम लोग कैलकुलेशन करते प्रॉपर तरीके से, सर मार्केट में आज एक भी ऐसा बिजनेस प्लान नहीं है जो इस लेवल की आमदनी देता हो। कोई भी बिजनेस प्लान के साथ कंपैरिजन करके देख लीजिए, एनी बिजनेस प्लान। हीरेन सर ने कई बार यहाँ पे, मैंने खुद ने नजरों के सामने देखा है, बहुत सारे अलग अलग एमएलएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग आए थे, उनके सामने जो कैलकुलेशन रखा है ना, दे आर शॉक्ड। और मजे वाली बात, कंपनी पूरा कमीशन बांटना चाहती है, इसलिए कोई कंडीशन कहीं पर भी नहीं डाली है, वरना तीसरे लेग में, चौथे लेग में, पांचवे लेग में, छठे लेग में, सातवें लेग में, आठवें लेग में दादाजी याद आ जाते हैं। दादा छोड़ो, नाना के भी नाना लोगों को याद आते हैं, तब जाके पैसे लोग कमाते हैं। और यहाँ पे पूरा एक आसान सिस्टम बनाया गया, मेहनत करो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, सिंपल बात है यहाँ। आर विद मी नाउ? ट्रेनिंग सिस्टम का पावर बताइए, समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम लोगों के पास में। मनी फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना गजब का है, टीमेक्स का ट्रेनिंग सिस्टम, जो आपको समय की आजादी और पैसों की आजादी पाने के लिए तैयार करता है, आपको उस काबिल बनाता है कि आप उसे अचीव कर सकते। आर यू विथ मी? टीमेक्स ही क्यों? चलो मेरे को एमएलएम समझ में आ गया, टाइम फ्रीडम के लिए करना चाहिए, व्हाई टीमेक्स? तो वहां पर ऑलरेडी मैंने अभी अभी जो आपको बातें बताई वो सारी बातें उसमें आ जाती है, टीमेक्स के सारी यूएसपी। लीगल में तो हम लोग लीगल से भी लीगल है, कहने को कहे तो लीगल से भी लीगल, क्योंकि मार्केट में लोग जिसे लीगल कहते हैं ना, उसमें सिर्फ आधार कार्ड का और इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट दिखा रहे, पैन कार्ड वाले बोलते लीगल है अपना कंपनी। अरे भाई ऐसे लीगल नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग के सर्टिफिकेट्स कुछ अलग लेवल के, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से लेके सब जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्लान, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ हमें उनको बताना है एक ओवरऑल लेवल पे। ऑलरेडी आगे बता चुके हैं, जब ऐसा सवाल आता है कि टीमेक्स क्यों, तब हम जो बता चुके हैं उसको थोड़ा सा और रीडिजाइन करके उनके सामने प्रेजेंटेशन करना है ना। प्रोडक्ट्स मार्केट में, मार्केट के हिसाब से है, फ्यूचर गजब है इस बिजनेस का, और रिस्क 0 के बराबर, क्योंकि आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मेरा काम करा, राइट है। एक और चीज है, हम मार्केट की महंगाई का अनुमान लगा सकते हैं। मैं कई बार एक अपने प्लान प्रेजेंटेशन के T3B के अंदर लोगों को सिखाता था, हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जानना चाहते हो गजब चीज के लिए, जानना चाहते हो, आर यू एक्साइटेड? कितने लोग बहुत बढ़िया लेवल का प्लानर बनना चाहते हैं, ऐसा प्लानर की किसी के सामने बैठ जाए ना तो फाड़ू रिजल्ट लेके उधर से निकले, ऐसा प्लानर कितने लोग बनना चाहते? बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत जल्द, अभी शुरुआत में गुजरात के लिए है, आउट ऑफ गुजरात के लिए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं राजकोट, जूनागढ़, तलाला और वेरावड़, इन चारों जगहों पे
प्लानर फैक्ट्री का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो वन डे का रहेगा, फुल डे का रहेगा, ट्रेन द ट्रेनर प्लानर फैक्ट्री, जिसके अंदर फुल डे में आपको प्लानर फैक्ट्री के लिए, प्लानर बनने के लिए तैयार किया जाएगा। फिजिकली आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके हाव भाव क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, पंच लाइन कैसे मारना, ये एक एक पॉइंट का फिजिकली वन डे प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च करने के लिए हम लोग आ रहे हैं वहां पर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैसेज करिएगा, और आप लोग इंटरेस्टेड है तो अपने अपलाइन को कॉन्टेक्ट करिए कि सर ये प्लानर फैक्ट्री कब से शुरू हो रहा है, फिजिकल प्लानर फैक्ट्री वन डे का T3 की, ट्रेन द ट्रेनर। हम लोग 12,000 रुपए चार्ज करते थे 2 से 3 दिन का वर्कशॉप करने का, T3P करने का, है ना, और वो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, बहुत जल्द ये लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं प्लानर की फौज खड़ी हो गई ना जिस दिन सर, और रोजाना एवरेज आपकी टीम में जितने प्लान होते हैं उससे ज्यादा डबल ट्रिपल प्लान होने लगे ना, आपका चेक तो डबल ट्रिपल जाते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि ये धंधे धंधे में लिस्ट बनाना और प्लान करना, ये दो इतने बड़े काम है कि अगर ये दो काम के ऊपर फोकस करवा दिया गया सभी टीम लोगों का, तो ऑटोमेटिकली सभी लोगों का धंधा आगे बढ़ेगा, सभी का चेक निकलने लगेगा। क्योंकि लोगों को मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को महंगाई के सामने लड़ने के लिए। सूरत में भी कर सकते हैं, बैच बनाइए सर, आई एम रेडी फॉर सूरत ऑल्सो। बैच बनानी है बस, इंपॉर्टेंट ये कि बैच बनानी है, अपने प्लान का कॉन्टेक्ट करें एंड वी विल प्लान राइट। सो पूरा एक बैच बनाइए, बिकॉज ये बैच में हम लोग जितने भी 20 के 30 के 50 के आसपास लोग रहेंगे, तो उनके साथ में एक T3P करेंगे, वन डे लेवल का, फुल डे रहेगा। और ये T3P के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर स्टेज के ऊपर लोगों को बुलाया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे करना सब कुछ प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा, लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा वहीं के वहीं, और उसके बाद हम लोग अपने आप को ऐसे तैयार करेंगे कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर कोई भी हमारे सामने बैठ गया ना, तो हम लोग क्लोजिंग उठा के वहां से निकलेंगे। प्लान शुरू करने से लेके क्लोजिंग तक एवरीथिंग वी विल ट्रेन यू इन दिस T3P राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी हम बताते हैं T3P के अंदर कि महंगाई का एक अनुमान लगाइए सर। हमारे दादा परदादा के टाइम पे क्या था, 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था, फिर 100 रुपए में चला, 80 में 1,000 में चल जाता था, 2,000 में 2000 के ईयर में 10,000 रुपए सैलरी होता था तब जाके घर चलता था। और 2020 की अगर आज की बात करो सर, आज की बात में 1,00,000 रुपए मिनिमम चाहिए। 2020 से 24 आज की बात में अगर आपको सच में अच्छी जिंदगी जीने से 1,00,000 रुपए मिनिमम इनकम चाहिए। 50-60,000 तो आते ही चले जाते, पता नहीं चलता। और मजे की बात बताओ प्रॉब्लम कहां पर है, पहले क्या था यार, पहले कमाने वाले बहुत सारे लोग थे घर में, 4-5 भाइयों का फैमिली एक साथ रहता था, सब एक साथ कमाते थे, एक ही पैसा सारा पैसा घर में एक ही घर में आता था और वहां से पूरा मैनेजमेंट होता था। आज पूरे घर में कमाने वाला बेचारा एक होता है, खाने वाले 4 से 5 लोग होते हैं, और गलती से भी 3-4-5-6 महीने में एक आध बार तो कुछ छुट्टियां होती है, बेड रेस्ट होता ही है किसी को, घर में किसी को परेशानी हुई हेल्थ को लेके, कमाने वाले को परेशानी हुई तो और परेशानी। और आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो सर क्या ये महंगाई के सामने लड़ने के लिए हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा हमें कोई ठोस करियर बनाना नहीं चाहिए? ये एग्जाम्पल देखो, आपको बताऊं मैं ये जो बता रहा हूं वो सब आपको नहीं मारना है, हेलो 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 हेलो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये आपको एक 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 ऐसे मुद्दे बताए जा रहे हैं यहाँ पे SOS किताब में कि इनमें से 1-2 पॉइंट भी आपने फॉलोअप में मार लिया ना तो क्लोजिंग डन है आपका। महंगाई के नाम पे कोई क्लोज हो सकता है, कोई टाइम और मनी के कैलकुलेशन के नाम पे समझ सकता है, सबकी समझ अलग अलग होती है, किसके ऊपर कौन सा एग्जाम्पल लागू करना वो चॉइस आपको करनी है। टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम ने ये इंडस्ट्री में अप्लाई होने वाले जितने भी फॉर्मूला थे क्लोजिंग के लिए, फॉलोअप के लिए, वो सभी फॉर्मूला के निचोड़ को मैं बताऊं 30-40 से भी ज्यादा किताबों को पढ़ने के बाद, लाखों रुपए के कोर्सेस करने के बाद, हीरेन सर, निर्मल सर, मयूर सर, अरसांग सर और हम, समीर सर, हमने सब लोगों ने मिलके, आकाश सर, हम सब ने मिलके ये ऐसा सिस्टम बना दिया SOS का कि इसके बाहर का कुछ बाकी है ही नहीं। 4-5 एग्जांपल इसमें से मार दिए, काम खत्म है बॉस।
कोई बोलता है आपकी बुनियादी आवश्यकता क्या है, हम लोग उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, देखिए उसका काउंसलिंग किया जाता है एक तरीके से। सर आपके, आपने कभी गणित किया, कभी गणित किया कि आपके घर में आज के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से एक्स अमाउंट का हर महीने का खर्चा होता है। छोटे छोटे खर्चे हम कभी गिनते नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने कैलकुलेशन किया कि बेसिक मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट्स होता है? चलिए हम लोग आज गिनते हैं। बैंक इंस्टॉलमेंट्स, हर घर में कोई ना कोई इंसान का कोई ना कोई ईएमआई चलता होता है, नॉर्मल जाए, नॉर्मल देखा जाए तो। हमने यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपए का एक हफ्ता गिना है। अगर मकान का है तो फिर बात ही मत करो, तो 10-15 हजार तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन एक 10,000, यहाँ पे 3,000 रुपीज का एक छोटा सा हमने बैंक ईएमआई गिना हुआ। ग्रोसरी फॉर 4 पीपल, 4 लोगों के लिए ग्रोसरी जो है ना वो 5,000 के आसपास की आती है। लाइट बिल 1,500 गिन लिया हमने। केबल डीटीएच का कनेक्शन 300 रुपए। स्कूल ट्यूशन फीस और स्कूल वैन की फीस मिला के 2,000 रुपये महीना उसका खर्चा लगता है। मिल्कमैन, दूध का बिल कम से कम 1,500-2,000 रुपये के आसपास का आता है ना। डेली एक्सपेंस अप्रोक्स 200 रुपये पर डे, रोजाना कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सपेंस, सब्जी का, ये वो का। आप देखिए सब्जी लेने जाते हैं लेडीज लोग, आज तो पता भी नहीं चलता 150-200 कैसे खत्म हो जाते, बोलो हाँ या ना, आसानी से खत्म हो जाते। वेजिटेबल का 2-3 हजार रुपये। गैस बिल 1,000 रुपये के आसपास का गैस का बिल आता है। मेडिकल एक्सपेंस 500 रुपये, सालाना 6,000 मेडिकल एक्सपेंस गिन रहे, अरे पता भी नहीं चलता कब, एक एक बार में जाते हैं पता नहीं, रिपोर्ट निकलवाते हैं 1,200-1,500 का रिपोर्ट निकलता है, 1,000-1,500 की दवाई आ जाती है। एक आध इंसान अगर थोड़ा बहुत बीमार पड़ता है 2-3-4 दिन के लिए तो 5-10 हजार का खर्चा तो यूं हो जाता है। और ये एवरेज सालाना देखेंगे तो महीने का 500-1,000 रुपये तो आता ही है। और मोबाइल रिचार्ज 500 रुपये, अगर 2 मोबाइल है तो, घर में 4 मोबाइल है तो गिन लो उसके हिसाब से। वैसे आजकल तो 250 में रिचार्ज भी नहीं होता, मिनिमम 300 हो गया ना मेरे ख्याल से, 278 या 279 के आसपास मिनिमम हो चुका है ना। और बाइक का पेट्रोल का खर्चा 2,000 रुपये। ऐसा पूरा गणित एक बार उसके साथ बैठ के करवाओ कि सर आपने कभी ये गणित किया है? आप देखिए ये गणित करके देखिए सर, ये गणित के अकॉर्डिंग अगर हम लोग गिने तो करीब करीब 26,300 रुपये सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवन जीने का खर्चा है। इसमें हमने मनाली शिमला का ट्रिप नहीं गिना है, चार धाम की माँ बाप की यात्रा अभी इसमें कैलकुलेट नहीं की है, महीने में एक आध बार होटल में खाना खाने के लिए जाने वाला, इसमें हमने कैलकुलेट नहीं किया है। इमरजेंसी में कहीं पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिंदा रहेंगे तो ये तो देना पड़ेगा सरकार को 26,000 रुपये, ये तो खर्चा मिनिमम है अपना। अरे विथ मी, अच्छा ये आजकल का खर्चा है, महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? और आपको बताऊं जनरल केसेस में, जनरल केसेस में मुझे बताइए ऑनलाइन एवरेज इनकम कितना होता है आपके आसपास के एरिया में? आप जहां पे रहते हैं वहां पे लोगों की ऑनलाइन एवरेज आमदनी इनकम कितने रुपए महीना होती है? 10,000। पंद्रह बीस तीस मैक्सिमम, और 26 का तो हमने उसको खर्चा गिनवा दिया। ये हमें क्यों बताना है? एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं, हर एक नेटवर्क कर जागृति लाने वाला एक क्रांतिकारी होता है। याद रखिएगा मेरे लाइन को, इसको लिख लीजिए लिखना चाहो तो, हर एक नेटवर्क कर जागृति लाने वाला एक क्रांतिकारी होता है। समाज में लोगों को पैसों का हिसाब जब करके दिखाते पता चलता है इतना खर्चा हर महीने का हमें करना ही करना है, और कई बार लोगों को यह हिसाब किताब समझ में ही नहीं आता होता है। हम उसको पहली बार करवाते तब जाके उसको ऐसा लगता है, ओ माय गॉड इतना खर्चा होता है मेरा हर महीने का, अगर मैं जिंदा भी रह गया ना तो भी मुझे इतना कम से कम चुकाना है, तो मेरी गैर हाजिरी में मेरा परिवार क्या करेगा? हम क्रांतिकारी लोग हैं दोस्तों, हम क्रांति ला रहे हैं समाज में, लोगों को जगा रहे हैं कि ट्रेडिशनल तरीका जो नौकरी कमा करके पैसा कमाने का, धंधा करके पैसा कमाने का, ये जो ट्रेडिशनल तरीका है हम किसी तरीके के खिलाफ नहीं है, लेकिन बस एक क्रांति लाना चाहते हैं, जागृति लाना चाहते हैं कि आपकी आमदनी का सोर्स अगर आपके परिवार के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रहा है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक दूसरे विकल्प की खोज करें। और ये विकल्प नेटवर्क मार्केटिंग बन सकता है अगर हम सही विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके सही निर्णय करें तो।
मानते हैं कि यह धंधे में नेगेटिविटी है, मानते हैं यह धंधे में चंद स्वार्थी लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, वी बिलीव, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि गांव के हर लोग बेवकूफ होते हैं या हर इंसान लोगों को लूटने वाला होता है। अच्छे लोग, अच्छी कंपनियां आज भी मार्केट में है, और हमको विवेक बुद्धि नाम की शक्ति भगवान ने इसलिए नहीं दी कि हम पुराने भूतकाल के अनुभवों को पकड़ के जिंदगी को जिए। हमको विवेक बुद्धि नाम की शक्ति इसीलिए दी गई है कि हम वर्तमान के समय में आंकड़ों के आधार पे, फैक्ट के आधार पे निर्णय करें, तर्क बुद्धि के आधार पे निर्णय करें। आर यू विथ मी? क्या हम सही बोल रहे हैं? बोलो हाँ या ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा वो सफल हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान तो किसी भी धंधे में सफल नहीं होता। देयर इज नो एनी बिजनेस की जहां पे जाने वाला इंसान 100% सक्सेस लेता है, कोई नहीं है ऐसा मार्केट में यार, कोई धंधा ऐसा नहीं। कम से कम यहां पर रिस्क तो नहीं है? आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, काम खत्म, रिस्क जीरो है आपका। और कोई नहीं कहता यहां पे कि आप अपनी नौकरी छोड़ के 100% ये करो। हम तो ये कहते हैं हमेशा कि जब तक आपकी नौकरी के मुकाबले में यहां से दुगना ट्रिपल आपकी इनकम आना ना लगे, तब तक आपको नौकरी छोड़ने का जरूरत है। आपकी 15,000 जॉब है ना, तो यहां से कम 30,000 से 35,000 कमाने का आप शुरू करेंगे, 40,000 कमाने का शुरू करेंगे, तब जाके नौकरी छोड़नी है। कोई नहीं कहेगा आपको ऐसा कि नौकरी छोड़ दीजिए। बट कहने का मतलब यह है कि समाज में क्रांति लानी है। पसंद बेरोजगारी बढ़ रही है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी सब कुछ मार्केट में आगे के समय में बढ़ने वाला है, और ऐसे में जो आम इंसान जिसके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, बड़े लेवल का नॉलेज नहीं है, या तो उसे वहां पे अपने बुद्धि लगा के अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा जिससे उसको अपॉर्चुनिटी मिले, या तो उसे यहाँ पे अपनी बुद्धि लगा के सही कंपनी को चुनना पड़ेगा जिससे उसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। हर जगह बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी, सोच तो लगानी ही पड़ेगी अपनी। सिर्फ समाज के जो पागलपंथी वाले लोग हैं ना, गाडरियो प्रवाह है ना, उसमें वो जो सोच रहे हैं बस वैसा करके हम सोच के अपना जिंदगी का डिसीजन लेने लगे, तो डिसीजन हम ले रहे हैं कि कोई और ले रहे हैं अपने लिए? आर यू विथ मी? हमें खुद के लिए डिसीजन लेना है, खुद के परिवार के लिए डिसीजन लेना है, राइट? तो ये बातें जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं और जो अभी मैंने क्रांति की बातें करी, ये सब बातें करके हम लोगों का माइंडसेट कर सकते हैं, हम उनको क्लोज कर सकते हैं, है ना। जीवन के तथ्यों के ऊपर हमने बात करा, मंथली एक्सपेंसेस, फैक्ट ऑफ लाइफ जो मैंने अभी अभी आपको गिनवाया था, जैसे 25,000 रुपए कमाते हैं, 12 महीने के 3,00,000 रुपए होते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ अपने मनी कैलकुलेशंस में कि 12 महीने के 3,00,000 रुपए यानी कि 10 साल के 30,00,000 रुपए। आने वाले 10 साल में 30,00,000 रुपए तो हमारा जिंदगी जीने का खर्चा है, और आजकल आमदनी जो है ना वो हमारे उस लेवल के है नहीं। टीमेक्स में सफलता के स्टेप ही यही होते हैं। हर में आज हर टीमेक्स के डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन सबको मैं आज ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर सफलता के स्टेप्स जो होते हैं ना, उसमें चैलेंज हमेशा आती है। जैसे चैलेंज आई शुरू शुरू में लेवल पे, मेरे पास लिस्ट नहीं है, टीमेक्स सक्सेस स्टेप जो होता है उसमें एजुकेशन सिस्टम में हम लोग आए, सीखा, जाना, समझा, अब हम कहते हैं कि मेरे को लिस्ट बनाना आ गया। लोग शुरू में कहते हैं कि प्लान देखने के लिए तैयार नहीं है, लोग प्लान देखने के लिए तैयार नहीं, समझने के बाद लगातार मार्केट में उतरना शुरू कर दिया, अब लोग प्लान देखने के लिए तैयार है। लोग योजना देखते हैं लेकिन सामान नहीं खरीदते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब लोग सामान खरीदते हैं। लोग सामान तो खरीदते हैं लेकिन बिजनेस नहीं करते हैं, तो अब ट्रेनिंग सिस्टम में आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद समझ में आया कि नेटवर्क में कन्वर्ट कैसे किया जाता है लोगों को, कैसे उनका माइंडसेट करा जाता है, तो अब हमारे साथ लोग सामान भी खरीदते हैं और बिजनेस भी करते हैं। फिर एक ऑब्जेक्शन आया था कि भी लोग सेमिनार में नहीं आते हैं, धीरे धीरे माहौल बनने लगा, अब मेरी टीम सेमिनार में आने लगी है। ये परिवर्तन आता है सर, टीमेक्स के सक्सेस स्टेप है ये सारे, ये आगे का सारा फॉर्मूला जो आपने जाना समझा, जो आप करना शुरू कर देते हैं, ये चेंजेस आपके लाइफ में आना शुरू हो जाता है। शुरू में हम कहते हैं सर हमारे हमारे पास क्या, मैंने शुरू तो कर दिया, धंधा भी शुरू हो चुका, लोग भी जुड़ने लगे, सब कुछ है, लेकिन सर डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं सर मेरे जैसे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, अब मेरी टीम सेमिनार में आने लगी है और मैं खुद प्लान करता था, लोगों को सिखा रहा था, अब मेरी टीम खुद प्लान करने लगी है, लोग डुप्लीकेट होने लगे, ये समय आता है सर। मयूर सर के टाइम पे भी एक टाइम ये था, लोग डुप्लीकेट नहीं हो रहे थे,
मयूर सर ने इकोसिस्टम बनाया, डिजाइन बनाया, सिस्टम बनाया, उसके अकॉर्डिंग लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। आज मयूर सर के नीचे ऐसे हजारों लोग हैं जो खुद प्लान लेते हैं। हर एक दिन याद रखना, आज आपके जीवन में, नए डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन में, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्या एक दिन आपके अपलाइन के जिंदगी में आ चुकी थी। उन्होंने उसका सामना किया, फाइट किया, लर्निंग लिया, उससे सीखा और आज यहां तक पहुंचे, और वही चीज आपको सिखाई जा रही है। और ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी अपलाइन अगर वहां तक पहुंची है तो आप भी पहुंच सकते हैं। इस बात का प्रूफ है कि नहीं, बताओ हाँ या ना? अगर यही सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आपकी अपलाइन सफल हो रही है तो आप भी एक दिन सफल होंगे। अब ये बात तो डिपेंड करेगी कि क्लास में पढ़ने वाले बच्चे खुद कितने सिंसियर है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसको टीचर पढ़ाते हैं, एक का 98% आता है, एक का 70 आता है। डिपेंड्स कर रहा है कि वो खुद कितना ग्रास्पिंग कर रहा है उसके ऊपर। तो आप कितना इस धंधे से कमाएंगे वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप इस नॉलेज को कितना अंदर उतारते हैं। जितना अंदर मास्टर लिया उतना ही आप बड़े लेवल का चेक के हकदार बन जाएंगे, राइट है ना? वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा। अरविंद मी, अब ये जमाना आ चुका है तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना? अब मेरे मेरे पास अच्छे लीडर्स की टीम खड़ी नहीं हो रही है। यहाँ पर लीडर सब दिखने लगे, लोग दिल से काम नहीं करते, बोले अब लोग दिल से काम करने लगे, खून में उतर चुका है बोले। अब तो कुछ लोग बोलते हैं खून का भी निकलेंगे, निकालेंगे रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें टीमेक्स निकलेगा, टीमेक्स 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 टीमेक्स। आर यू विद मी नाउ? अब ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ और मेजर मेन डायलॉग्स है जो लोग आपको मारते हैं, जानना चाहो तो, सीखना चाहते हो, कमन, आर यू रेडी, आर यू एंजॉइंग, मजा आ रहा है, एक एक आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं मन से, आर यू विथ मी? ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, मुझे बेचने वाला काम बोलेंगे लोग, मुझे बेचने वाला बोलेंगे ये प्रोडक्ट। अब ये आइडेंटिटी वाला इश्यू है, मैं ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, लोग मुझे तेल साबुन शैम्पू बेचने वाला बोलेंगे। देखिए सर, इसमें हमें कुछ भी बेचना नहीं है, इसमें हम कट्टर विक्रेता यानी कि हार्ड कोर सेल्स पर्सन बनने वाले नहीं है, और इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर ये होता, ये धंधा ऐसे चलता होता तो कंपनी हार्ड कोर सेल्स के MBA वाले लड़कों लड़कों को रख के मार्केट में बेचा जाता प्रोडक्ट। ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, असल में एक नेटवर्क बनाने का व्यवसाय है। ये हमारे संबंध से प्रोडक्ट, ये हमारे संबंध से होता है। बस प्रोडक्ट का उपयोग करो, बाकी सबको बताओ, और इसके बारे में अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो लोगों से बात करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये कोई नया काम नहीं है, ये हम सालों से करते आ रहे हैं। मूवी अच्छी लगी लोगों को बताया, कुछ भी अच्छा लगता है लोगों को बताते हैं। आजकल रील आती है, रील्स आती है 1 मिनट का, शॉपिंग करने के लिए ड्रेस ले, ड्रेस मटेरियल लेडीज का, है ना, 200 रुपए में, 250 रुपए में बहुत बढ़िया से यहाँ पे ड्रेस मिल रहे हैं, आज ही आ जाइए, लॉट खत्म होने से पहले पहुंच जाइए। हम रील देख के उधर चले जाते हैं और अच्छा लगता है, 4 लेडीज लोगों को बोलते हैं उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। आपको कुछ मिला क्या मार्केटिंग करने से? लेकिन हम करते हैं। तो देखो सर, बेचना नहीं है, मार्केटिंग करना है, और मार्केटिंग ये हमारे खून में है, हम बचपन से आज तक करते आए। हाँ, ये बात अलग है कि वो करने का हमको पैसा अब तक नहीं मिला, टीमेक्स हमको पैसा दे रहा है अब तक हमको मार्केटिंग करने का पैसा नहीं मिला, यहाँ पे पैसा टीमेक्स हमको दे रहा है, राइट है? सो मैं अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि मुझे यहाँ पे जब मैं देखूँ लैपटॉप पे तो मुझे लगे कि भाई कोई सुन रहा है ना। अपना कैमरा ऑन रखिए, है आगे वाले कुछ लोग है जिन्होंने कैमरा ऑन रखा है, पीछे जब मैं देखता हूँ तो मुझे कोई किसी का कैमरा ऑन ही नहीं दिख रहा है ना। हाँ, जय मकवाणा जी देख रहे हैं मुझे, अजय भाई देख रहे हैं पीछे, बहुत नेचर वाला एकदम कुदरती वातावरण दिख रहा है आपके पीछे। अजय भाई फोटोग्राफ है कि? अच्छा हाँ, मुस्कुराहट करी तो पता चला फोटोग्राफ नहीं है, वीडियो है चलो ठीक है। सो ऐसे लाइव रहिए, मुझे लगेगा अच्छा थोड़ा। तो ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं। और एक मजे की बात बताओ, अमिताभ बच्चन क्रिकेट के अलग अलग स्टार्स खिलाड़ी हो गए हैं अलग अलग, वो लोग क्रिकेट से या एक्टिंग से जितना पैसा नहीं कमाते ना, उससे ज्यादा पैसा वो लोग एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। बच्चन ने बोल दिया नवरत्न तेल, उसका बेटा सेट हो गया भाई, अभी से बच्चन को काम करने का जरूरत नहीं है,
वो नहीं चला पिक्चर में, अलग बात है, लेकिन बाप ने इतना सेट कर दिया मार्केटिंग कर करके, तो क्या हम हमारे बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते? बच्चन इतना बड़ा स्टार हो के अपने बेटे के लिए अगर तेल साबुन शैम्पू बेच पा रहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? हेलो राइट और रॉन्ग? तो ये ऑलरेडी काम पुराना है, हम करते आ रहे हैं। क्या इस बिजनेस के साथ जुड़ने से तत्काल सफल हो जाऊंगा, इंस्टेंट सफल हो जाऊंगा? कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है, बोले सर मैं तो जुड़ने के बाद तुरंत सफल हो रहा। भाई जाकिर हुसैन ने तबला खरीदा था ना, उस दिन वो जाकिर हुसैन नहीं बना था। सचिन ने बैट लिया ना, उस दिन वो सचिन नहीं बना। समझ में आता है? ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है पैसों कमाने का। ये जिंदगी बदलने की एक व्यवस्था है, सफल होने की एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, जहां पे हमें हमारी एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। ये एक बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस में समय लगता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एन ग्राफ है ना, अपना एन वाला ग्राफ, शुरू में एफर्ट ज्यादा, विजन मीटिंग याद करो, अपनी विजन मीटिंग। आप में से कितने लोगों ने मेरी विजन मीटिंग अटेंड ही नहीं की अभी तक? टाइप करो मी, जरा टाइप करो मी, विजन मीटिंग जिन्होंने अटेंड नहीं किया हमारा। वो मैं गणित समझाता हूँ, 96,000 आवर्स का गणित समझाता हूँ, कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया? ऐसा कोई है यहाँ पे? टाइप करो जरा मी, विजन मीटिंग अभी तक अटेंड नहीं किया आपने? मेरे को गाना गाने की इच्छा हो रही है, बुरा मत लगाना। तो कहां से आते हैं ये लोग जिनको अभी तक लिंक नहीं मिली? आप व्हाट्सएप के कनेक्शन में नहीं है किसी के साथ में? कोई ग्रुप में नहीं है क्या? लिंक कोर ग्रुप से निकलते हुए आप तक पहुंचना पहुंचना चाहिए, और पहुंच भी रहा है मेरे ख्याल से। रोज रात को 9 बजे कोई ना कोई मीटिंग चलती है ना, उसमें मंगलवार को रात को 9 बजे विजन मीटिंग चलता है अपना, जो मैं खुद लेता हूं, जो हर नए बंदे के लिए है, हर न्यू ज्वाइनिंग के लिए है। और विजन खुले बगैर कोई इंसान बिजनेस बड़ा नहीं कर सकता, विजन खोलने के लिए वो बिजनेस मीटिंग बनाया गया है। आइए मीटिंग में वो, राइट है। क्या ये बिजनेस में जुड़ के तत्काल सफल हो सकता हूं? उसका जवाब आ गया, इस बिजनेस में आप तुरंत ही सफल नहीं हो पाएंगे, किंतु एक दिन जरूर सफल होंगे। आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए आए हैं, तो पता नहीं आप सफल होंगे कि नहीं है, किंतु आप दूसरों को सफल करने के लिए उस उद्देश्य से आए हैं, तो आपको 110% सफलता मिलेगी। देखिए एक कदम आगे चले गए हम लोग। लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस में मैं तत्काल सफल होने के लिए आया हूं। जो मैं करता है ना, उसको बड़ी सफलता नहीं मिलती कभी, जो दूसरों के लिए काम करता है। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने राम लखन ढूंढो और अपने राम लखन को सफल बना दो, आपकी सफलता हो गई। आर विथ मी? ये धंधे में अपने राम लखन को ढूंढना है, भरत शत्रुघ्न को चार ढूंढ लो, ऐसा हो तो राम लखन भरत शत्रुघ्न पूरा, मतलब राजस्व यज्ञ हो जाएगा आपका, कोई हरा नहीं पाएगा फिर आपको। राम लखन भरत शत्रुघ्न अगर चार आपके पास में है, तो पूरे भारतवर्ष खंड में किसी की ताकत नहीं है कि उनके घोड़े को रोका जाए। लवकुश ने रोका था पता लगे, लेकिन फिर आए तो अपनी टीम में ना कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसे मिशन पे निकले हुए हैं जहां पे हमें बस 3-4 लोग चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, 52 पत्ते का कैट होता है ना, पहला पत्ता वो निकाला, गुलाम निकला, सुबह 8 से रात को 8 गुलामी भरी जिंदगी जीता है बेचारा। दूसरा निकाला, कहने को बादशाह निकला, लेकिन रानी को पूछ पूछ के काम करता है, तो वो रानी है। बोले पूछना पड़ेगा पूछना पड़ेगा पूछना पड़ेगा, पूछ के बताता हूँ पूछ के बताता हूँ। लेकिन सर जैसे जैसे आप पत्ते घुमाते जाएंगे ना, आपको पूरे 52 पत्ते की कैट में कम से कम 4 तो इक्के मिलेंगे, हाँ या ना? और ये 4 इक्के एक बार मिल गए ना, डायमंड अपना पक्का है बॉस, डायमंड पक्का है। फिर बस जो भी मेहनत है वो 4, और कितनी गहराई में जाके मिलेगा कोई फिक्स नहीं है उसमें। एक कहानी आपको बताता हूँ इसके बारे में, बहुत गजब की कहानी है। एक बार ऐसा हुआ, कुछ चोर लोगों को पता चला कि 7 करोड़ के हीरे एक ट्रक में जा रहे हैं। कितने करोड़ के? 7 करोड़ के हीरे एक ट्रक में जा रहे। तो 4 चोर ने मिला के प्लानिंग बनाया, धूम स्टाइल में बाइक बाइक लेके भाई लोग निकल पड़े, ट्रक के ऊपर चढ़ गए, चलती ट्रक के ऊपर चढ़ गए, खींच
किसी को पता ना चले ऐसे सिस्टम विस्टम भरा बना के अपने हिसाब से, और वो देखते हैं ना पिक्चर के अंदर वैसा, और ट्रक के अंदर चले गए, अंदर जाके देखा तो कोयला ही कोयला। बोले कोई बात नहीं, कोयले के नीचे छिपा होगा हीरो, हीरो का पूरा खदान, माल सामान, 7,000 7,000 7 करोड़ के हीरे हैं, माल तो बहुत बड़ा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पूरे ट्रक में इधर से इधर, 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 करते 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 कोयला पूरा एकदम छान मारा, काले काले हो गए पूरे के पूरे एकदम चोर। वैसे भी चोर काले होते हैं देखा जाए तो, काले काम करने वाले काले रहते हैं ना। डायमंड हाथ में नहीं लगा, ट्रक अपनी जगह पहुंच गया। पहुंचने के बाद पता चला इतना सा छोटा सा एक डायमंड था जो ट्रक के ऐसे कोने में दगा के रखा था। कितना भी वो ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब कुछ ऐसे ऐसे किया एकदम कोने कोने तक का, तो एकदम वो कह रहे पूरा खाली करते उतना तो वो देख नहीं पाएंगे, एकदम कोने में से सेट कर। एक ही डायमंड था 7 करोड़ का, बस एक डायमंड 7 करोड़ का था, अपनी जगह पहुंच गया। अब उन लोगों ने अगर एंड तक मेहनत किया होता ना तो डायमंड उनको मिल जाता। वैसे अपना भी वैसा ही, कितनी गहराई में जाकर डायमंड मिलेगा पता नहीं है। वैसे हीरो की खदान में ऐसा ही होता है कि हीरो की खदान अंदर जाके ही मिलती है, राइट? तो डेप्थ में उतरना पड़ता है। अगला है कि आज हम टीमेक्स की सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे। यहां से बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की बाइक, कार, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह परचेस किया हुआ है और आज महीने के लाखों कमाते हैं। जब उनके माइंड में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा ये डाउट है, उसका क्लियरिंग करने के लिए हम लोग उनको पहले तो एक टाइम फ्रेम बताएंगे कि समय लगता है, सिस्टम से चलना पड़ता है, और जो लोग समय और सिस्टम के आधार पर चले हैं उन लोगों की सक्सेस स्टोरी, मयूर सर की सक्सेस स्टोरी, अरसंग सर की सक्सेस स्टोरी, और आज तो बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी हमारे पास में है। आज टीमेक्स में हमारे नए नए यंगस्टर्स एप्पल का मोबाइल फोन, एप्पल का आईपैड लॉन्च करते हैं और उसका रील बना के व्हाट्सएप पे सब जगह पे शेयर करते हैं। बहुत सारे अचीवर्स आज तो हो चुके हैं, उनके वीडियोस, उनकी कहानियां लोगों को दिखाई, लोग यहां से अपने ड्रीम मोबाइल फोन को लेते हैं। अरे विथ मी कैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें, रियल एमएलएम और फेक एमएलएम का फर्क कैसे पता करें, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें करनी है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग ये दुनिया का सबसे सफल बिजनेस है। यूएसए, अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग कई सालों से चलते आता है, 5 में से 1 व्यक्ति करोड़पति वहां पे बना है। इंडिया में पिछले 20 साल में ये इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पति दिए हैं। जीरो से मिलियनर बनाने वाली ये इंडस्ट्री है दोस्तों, जीरो से। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे अभी तक करोड़पति बन चुके हैं। मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के दौरान हजारों कंपनी को आते जाते हुए देखा, बहुत सारी कंपनियों के प्लान का अभ्यास किया और सब कुछ करते हुए तय हुआ 5 पैरामीटर। कोई भी कंपनी सही है कि गलत है चेक करने के लिए 5 पैरामीटर्स होते हैं, और ये 5 पैरामीटर के ऊपर अगर आपने काम किया तो आप सही कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे मैं बताने वाला तो नहीं था, सरप्राइजिंग था मोमेंट आपके लिए, लेकिन एक छोटा सा झलक आपको दे देता हूं। एक लाइन मैंने बोल दी थी 2-3 दिन पहले, आज फिर से बोलता हूं। एक ऐसा गजब का टूल, एक ऐसी गजब की किताब, एक ऐसा गजब का हथियार मैं आपके हाथ में रखने जा रहा हूं जो इतना छोटा सा रहेगा, इतना एक हाथ जितना छोटा सा रहेगा, 5 इंच जितना, ओनली 5 इंच, 5.5 6 इंच के आसपास की किताब रहेगी, टोटल मिला के 7 इंच का रहेगा, अंदर का जो राइटिंग है वो 5 इंच के आसपास का रहेगा। छोटी सी किताब लॉन्च करने जा रहा हूं बहुत जल्द, जिसका नाम है स्कैम। किताब का नाम ही है स्कैम, और ये किताब ऐसी है कि कहीं पर भी प्लान दिखाने जाओ ना उसके घर पे वो किताब छोड़ के आने की, अगर उस दिन क्लोजिंग ना हो तो, और बोलना ये किताब एक काम करे, किताब मैं आपके घर पे छोड़ के जा रहा हूं, आप पढ़िए और 2 दिन के बाद हम मिलते हैं। वो किताब के बहाने आपका अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा वापस से किताब लेने जाने का, और तब तक उनको टास्क देना है कि ये किताब को पढ़िए, हम सब बातें 2 दिन के बाद करेंगे, आज आपके मन में बहुत सारे डाउट है, ये किताब को पढ़िए, 2 दिन के बाद मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं और 2 दिन के बाद हम इस किताब के ऊपर बात करेंगे। एंड सच बताऊं वो किताब का पहला ही चैप्टर मैंने पढ़ा ना, पहला ही चैप्टर जो मैंने लिखा है रात रात जाग जाग के, पहला चैप्टर पढ़ के मुझे लगा कि अगर मैं कस्टमर हूं, अगर मैं एकदम नया बंदा हूं ये इंडस्ट्री में, तो पहला चैप्टर पढ़ के मेरे माइंड में एक बात तो, एक ख्याल तो पैदा हो जाएगा कि यार ये बात तो सही है, इंडस्ट्री बुरी नहीं है, ये उसके मन में क्लियर हो जाएगा।
बहुत जल्द आपके सामने आएगी वो किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच चीजें, नंबर वन लीगालिटी ऑफ कंपनी, पहला चीज देखना है क्या, लीगालिटी ऑफ कंपनी, पांच पैरामीटर चेक करना है। भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन लॉन्च किया। 5 मिनट के लिए हम लोग आगे का टाइम लेंगे अपना, 8:15 हो चुके हैं, हम लोग वैसे ही 5 मिनट लेट होते लेट आते हैं, 8:20 को 8:22 को हम लोग क्लोज कर देंगे। कंपनी कानूनी रूप से लीगल है कि नहीं है वो चेक करना है। 2016 से गाइडलाइन लॉन्च हुई थी, 28 दिसंबर 2021 को लीगल घोषित किया गया ये इंडस्ट्री को, तो उसमें जो लॉ लिखे गए हैं, जो नियम है, क्या वो सभी नियम के अनुरूप आपकी कंपनी काम करती है? अगर हाँ तो कंपनी लीगल है, जवाब ना है तो माफ कीजिएगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंपनी पूर्णतः लीगल होनी चाहिए। टीमैक्स एक लीगल कंपनी है और वहां पे आप टीमैक्स का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। आर यू विथ मी? सेकंड पैरामीटर है कंपनी के मैनेजमेंट का इरादा, इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। एक ऐसी कंपनी पसंद करे जो मार्केट में काम करते करते 5 साल 10 साल के आसपास का टाइम हो चुका, 5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कंपनी का उद्देश्य क्या होता है। ज्यादातर कंपनियां आपको बताऊं जो बंद हो गई, जो उठ गई, जिसने लोगों का कर डाला, ये सारी कंपनियां मैक्स टू मैक्स 1-2 साल 3 साल ही चलती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो हाँ या ना। मार्केट में आप देखना, जो भाग जाने वाले लोग हैं ना, वो 1-2 साल से ज्यादा लंबा तक टिकते नहीं। जिसका जितना बड़ा पेट उतने टाइम तक वो टिकते हैं, सिंपल है। जिसको जितने का कर डालना है ना, जैसे 5000 करोड़ का जिसने किया ना, उसको 3 साल 4 साल लगे थे प्लान में, उसने बड़ा कर डाला। जिसने 15-20 करोड़ का किया ना, वो छोटी कंपनी 6 महीने में करके चली गई। करने वाले ऐसे ही होते हैं भाई। आर यू विथ मी? जो कंपनी को 5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है मार्केट में टिके हुए, जो गवर्नमेंट के लॉ के अनुरूप चलती है, ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए। तीसरा मुद्दा, प्रोडक्ट ऑफ कंपनी। कंपनी की प्रोडक्ट ही उसकी जान होती है सर, कंपनी की प्रोडक्ट ही कंपनी की जान होती है। सपने दिखाए जाते हैं, BMW ऑडी दिखाई जाती है, ठीक है, सपने दिखाने बुरी बात नहीं है सर, लेकिन असली में जो चीज कंपनी में चल रही है, दैट इज प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो वो लंबे समय तक चलेगी नहीं, वो रिपीट ऑर्डर नहीं होगा। मैं तो यहां तक बोलता हूं, मैंने अभी अभी एक रील भी बना दी है, जो बहुत टाइम, क्योंकि अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग रील्स बनाने लगा था इंस्टाग्राम पे, अगर आप देख रहे होंगे तो, मेरे को, मैंने एक जबरदस्त रील बनाई है कि सर जिस कंपनी में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर रीपर्चेज नहीं कर रहे हैं ना, वो कंपनी के प्रति वफादार है ही नहीं। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रीपर्चेस तभी करेगा जब उसकी प्रोडक्ट में दम होगा, जो उस घर में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट होंगे, जरूरत के प्रोडक्ट होंगे। आर यू विथ मी? एम आई राइट और राइट? राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट मल्टीपल सेक्टर के होने चाहिए। तीन बातें इसमें आएगी सर, A, B और C। प्रोडक्ट मल्टीपल सेक्टर के होने चाहिए। मल्टीपल सेक्टर का मतलब क्या है? किसी को एग्रीकल्चर में काम करना, टीमेक से कर सकता है। किसी को वेट लॉस पे काम करना, टीमेक से कर सकता है। किसी को ब्यूटी ब्यूटी और सलून पार्लर जो होते हैं उसी के लिए काम करना है, वे यहां से हो सकता है, टीमेक से हो सकता है। आर यू विद मी? मल्टीपल सेक्टर है, कोई एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है हम लोग। अगला, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। मल्टीपल सेक्टर का मतलब होता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए कंपनी में, सेक्टर ज्यादा होने चाहिए और सेक्टर के अंदर भी प्रोडक्ट ज्यादा होने चाहिए। जैसे आपको बताऊं, एग्रीकल्चर के नाम पे लोग ऑर्गेनिक की बातें करते हैं, बोलो हाँ या ना। साला एक ही डब्बा लेके निकल जाते हैं, बोले हमारी कंपनी ऑर्गेनिक करती है। अरे भाई साहब, उधर पे कीड़ी मकोड़े आए, कहने का मतलब है जीव जंतु आए, फसल में रोग आया, वायरस आया, तो वो डालेगा वही केमिकल। सर टीमेक्स ऐसी कंपनी है जिसने ऑर्गेनिक बोला ना, तो ऑर्गेनिक नाम पे जीरो से लेके जमीन में डालने वाले खाद से लेके काटने तक की सारी प्रोडक्ट्स अपने पास में अवेलेबल। सेक्टर को पकड़ा है ना, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए सेक्टर को नहीं पकड़ा, जमीन के लेवल से बदलाव लाने के लिए सेक्टर को पकड़ा। कहने के लिए नहीं बोलते कि जहर मुक्त खेती, करने के लिए बोलते कि जहर मुक्त खेती। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? पंच लाइन मार रहा हूं, कॉन्फिडेंस मिल रहा है मेरी बातों से, हाँ या ना? सेक्टर सिर्फ नहीं होना चाहिए, सेक्टर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए।
फेस वॉश एक ही निकाला होता तो चल जाता। अपने पास में दो फेस वॉश, चारकोल वाला स्क्रब है, चारकोल फेस वॉश है, चॉकलेट वाला स्क्रब है, विटामिन सी का फेस वॉश है, विटामिन सी की सिरप। ब्यूटी कॉस्मेटिक में इतनी सारी रेंज लगा दी है ना कि मार्केट में अगर ब्यूटी कॉस्मेटिक का पूरा शोरूम करना हो ना अपने को अलग से मिलाकर, तो शोरूम भी कर सकते हैं। आर यू विथ मी? सी, भारतीय लोगों की मानसिकता, मेंटालिटी ऑफ पीपल। चाइना में लो क्वालिटी लो प्राइस चलता है, अमेरिका में हाई क्वालिटी हाई प्राइस चलता है, लेकिन इंडिया में क्या है मालूम है? हाई क्वालिटी चाहिए लेकिन कीमत लो चाहिए। टमाटर खरीदने जाते हैं ना तो लारी वाला बोलता है ये 10 वाले ये 15 वाले, हम क्या बोलते हैं? 15 वाले अच्छे हैं, वो 10 में दे दो ना। आर यू विथ मी? ये इंडियन मेंटेलिटी है, ये भारतीय मेंटेलिटी है। बोले केले लेने जाते हैं, बोले ये वाले केले 30 रुपए के, ये वाले 50 रुपए के, बोले 50 वाले 30 में दे दो, चलो कोई नहीं 35 में दे दो, लेकिन 50 वाले चाहिए। अपने को चाहिए अच्छा वाला लेकिन चाहिए सस्ता, ये अपनी मेंटेलिटी है। अरे विथ मी? और टीमेक्स की गुणवत्ता देखेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेंगे, उसकी प्राइसिंग देखेंगे ना, तो हमने बराबर भारतीय लोगों की यही मानसिकता को पकड़ा है। विटामिन सी को ऐसे स्मेल लेते हैं ना, फेस वॉश का स्मेल भी लेते हैं ना, अपने को प्रीमियम लगता है। मैंने अभी एक गेस्ट आए थे हमारे, मैंने विटामिन सी का अपना जो पैकेजिंग है ना उसके सामने रखा, उसको स्मेल करवाया और बोला कितने की प्राइस का होना चाहिए ये वाला विटामिन सी वाला पैकेजिंग देख के आपको क्या लगता है? भाई साहब बोलते होगा कम से कम 200-250-300 रुपए के आसपास का तो मिनिमम होगा। गुलाबी कलर का अपना अर्गन वाला स्पेशल, उसको बोला अर्गन वाला स्पेशल है ये, इसका क्या प्राइस होगा? बोले ये तो 600 रुपए के 700 रुपए के आसपास का होगा। जब बोला ना मैंने विटामिन सी 150 रुपए का अपने को मिलता डीपी प्राइस में, चौंक गया वो बंदा। मतलब हाई क्वालिटी लोअर मीडियम प्राइस के अंदर हम लोग बेचते हैं। सेल्स और मार्केटिंग चौथा पड़ाव है, चार पांच चीजें थी, चौथा पड़ाव है सेल्स मार्केटिंग की योजना। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में नेतृत्व ऊपर से नीचे, और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नीचे से ऊपर जाता है, लीडरशिप ऊपर से नीचे नीचे तक काम करती है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है। जितना ज्यादा नीचे काम हो उतना ज्यादा पैसा उस तरीके से बटेगा। एम आई राइट और राइट? तो नीचे वाले लोगों के पास पैसा जल्दी आए और आसानी से आए ऐसा सेल्स और मार्केटिंग का प्लान होना चाहिए। आर यू विथ मी? 90 दिनों में 6 महीने में लोग यहां से करियर बनाना चाहिए। और टीमेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 90 दिनों के अंदर अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर लोग 10,000 से लेके 50,000 की इनकम तक, 1-1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने वाला लीडर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। सर यूनिवर्सल पॉइंट लगा दो ना तो बहुत जल्द आप कैपिंग को पार कर देते हैं, नो कैपिंग वाले फॉर्मेशन में पहुंच जाते हैं और 6 महीनों के अंदर अंदर यूनिवर्सल लगाने वाले लीडर टीमेक्स के अंदर आपको देखे जाते हैं विद इन 6 मंथ। और मजे वाली बात है लोगों के टाइम मार्केट में क्या होता है, कभी कभार फ्लुक लग जाता है, फ्लो में लोग 1 लाख रुपए का मैचिंग का धंधा कर देते हैं। लेकिन टीमेक्स का सीएनसी सिस्टम इतना मजबूत और पावरफुल है कि एक बार हमने जो सिस्टम बिल्ड किया ना, वो सिस्टम के तहत हमने सीएनसी पे फोकस करना स्टार्ट किया, हर महीने की 12 तारीख को लीडर का 50-70% धंधा तो ऑटो मोड पे चला जाता है। अरे विद मी? कितने लोगों ने ये महसूस किया है सीएनसी के आधार पर बताओ मुझे। हमारे सेल्स मार्केटिंग में प्लानिंग में इतना गजब का तरीका डाला गया यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 1-12 तारीख के अंदर अंदर तो हमको पता चल जाता है कि हमारे धंधे का 50-70% हर महीने का जो धंधा है ना वो रिकरिंग बन चुका है, रिपर्चेस का बन चुका है। 50-70%, इट इज ह्यूज नंबर। मार्केट में लोग ज्वाइनिंग का गेम खेलते हैं, ज्वाइनिंग बंद तो सारा धंधा बंद हो जाता है। 1 महीने किसी का चेक बनेगा 1 लाख रुपए का और पता नहीं दूसरे तीसरे महीने में चेक घूम रहा है 10,000 के आसपास। ऐसा हमने कई सारे लोगों के लाइफ में होते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। जय जी, सही बोल रहा हूं ना मैं? 1 महीने 1 लाख रुपए का चेक बना, दूसरे महीने सीधा 10,000 पे आ गए भाई साहब। ऐसे कई सारे लोगों का हमने देखा होगा। यहाँ पे सीएनसी पे जिसके ऊपर ग्रिप आ गई ना, सीएनसी को मास्टर जिन लोगों ने कर लिया ना टीमेक्स में, तहलका है सर, तहलका। और आपको सच बताऊं सर, 1-2 मिनट में ज्यादा लेना चाहूंगा, एक क्योंकि अभी जबरदस्त माइंडसेट मेरा चल रहा है सर।
मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई जो समझ में आई है ना, ये धंधा शुरू ही इसलिए हुआ था कि 30% में प्रोडक्ट बनता है, 100 रुपए के अंदर बिकता है, 70% बीच में बढ़ता है। तो अगर हमने 1,000 लोग लेफ्ट में कर दिए, 1,000 लोग राइट में कर दिए, और वो लोग हर महीने का 2-2 हजार का शॉपिंग करते हैं ना, तो अपना धंधा सेट है। ये माइंडसेट के साथ में, ये सोच के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ, पैदा ही इसी कॉन्सेप्ट से हुआ ही है एमएलएम इंडस्ट्री। और मार्केट में लोग जो गेम खेल रहे हैं ना, वो सिर्फ ज्वाइनिंग 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 वाला गेम खेल रहे हैं। और जो कंपनी रीपर्चेस को स्ट्रॉन्ग करके बैठी है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ऐसा इकोसिस्टम बना के बैठी है, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी क्वालिटी, ऐसी प्राइसिंग बना के बैठी है जहां पे कस्टमर को फोर्स नहीं करना पड़ता बाय करने के लिए, लोग ऑटोमेटिक सीएनसी करते हैं, वहां पे आप अपने नाम का इतिहास बना ही सकते हैं। ये 100% गारंटेड है। मैं अपने 14 साल के अनुभव के आधार पर ताल ठोक के कहता हूँ दोस्त ये बात, कि जहां पे रीपर्चेस स्ट्रांग है, वहां पे आपका करियर स्ट्रांग है, मजबूत और परमानेंट वाला है। और आज ताल ठोक के गर्व से कह पाते हैं कि टीमेक्स में ऐसा इकोसिस्टम हमारे पास में है। ये अपनी यूएसपी है, अरे इसमें ये अपनी यूएसपी है सर, ये पावर है अपना। तो नीचे वाले लोग पैसा कमाए वहां से लेके जबरदस्त। आपको सिंपल गणित बताऊं, पहला आपका टारगेट होना चाहिए 2500 बीवी मैचिंग करने का, फिर 5000 बीवी पर लीडरशिप आ जाता है, फिर 10,000 से बिजनेस बूस्टिंग आ जाता है, फिर 20,000 अपना ट्रैवल फंड आ जाता है, 25,000, और फिर 50,000 रुपये अपना सीधा आ जाता है यूनिवर्सल। पूरा एक पड़ाव है। कौन बनेगा करोड़पति में पड़ाव नहीं होता, अलग अलग पड़ाव होते हैं अपने, वैसे ये पड़ाव है सर। और अपना टारगेट बनाइए कि आप एक एक पड़ाव को क्रॉस करें। आर विथ मी? अच्छा, ये टारगेट तभी अचीव होगा जब हम नए बंदे जो कल को हमारे साथ जुड़े हैं उनको फास्ट स्टार्ट रनर और फास्ट स्टार्ट विनर बनाने पे फोकस करें। मैंने आपको होमवर्क दिया था। Are with me? और फाइनली पांचवा टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो कंपनी में ये पांच पिलर, कौन कौन से पांच पिलर? कंपनी कानूनी होनी चाहिए, कंपनी मैनेजमेंट का इरादा पक्का मजबूत होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट की कंपनी में प्रोडक्ट की पूरी रेंज होनी चाहिए, मल्टीपल सेक्टर काम करने चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग का बिजनेस प्लान योजना ऐसी होनी चाहिए जहां पे स्टेप बाय स्टेप लोगों का ग्रोथ हो, और वो ग्रोथ करवाने के लिए एक राइट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये पांच चीजें कोई भी कंपनी में है तो वो कंपनी आपका करियर बना सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने तो यहां तक कहा था कि 3 साल कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, सही नेटवर्क मार्केटिंग में काम करिए जहां पे एजुकेशन सिस्टम राइट लेवल का चलता हो। अगर आपने पैसे नहीं कमाए ना, तो कोई बात नहीं, आपको 3 साल में अपने आप को उस हद तक बदल देंगे कि आप कभी भी अपने आप को असफल चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपके खून में इतना मोटिवेशन भर दिया गया होगा यहां से कि आप कभी लाइफ में असफल नहीं हो सकते। आर यू विथ मी? तो ये एजुकेशन सिस्टम यहां पे डाला गया और इसी के तहत आधार पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं, राइट है? तो मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ में, एसओएस में आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग करते हुए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपको आज के सेशन में से भी हर रोज की तरह पांच ऐसे कौन से मुद्दे, जो पांच ऐसी पंचलाइन, कौन सी ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगी है, वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे भेजना है, अपने टीम के लोगों को भेजना है कि मुझे आज एसओएस से ये सीखने को मिला, आपको क्या सीखने को मिला मुझे बताइए, और माहौल बनाइए अंदर अंदर एसओएस का। आर विथ मी? एसओएस को पढ़िए और अपने आप को मजबूत बनाते रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू।